मालसरी खेड़ा गांव के साथ लगती शिवाना माल माइनर के टूटने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी में डूब गई। बुर्जी नंबर 34,000 और 39,000 दो जगह टूटने के कारण सैकड़ों एकड़ धान पानी में डूब गई। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बुधवार सुबह 5 बजे से अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। किसानों ने बताया कि बारिश तेज होने की वजह से बागड़ू और सरफाबाद के लोगों ने आउटलेट मोहरी बंद कर दी, जिसके कारण बारिश का सारा पानी आगे आ रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये शिवाना माल माइनर है, ये अभी 6 महीने पहले शिफ्ट हुई इधर और पानी इसमें केवल 10 दिन से चलना शुरू हुआ है। ये दो जगह से टूट चुकी है और हमने SDO एक्शन JEE और बेलदार अनिल फौजी सभी को इन्फॉर्म कर दिया सुबह 5 बजे, लेकिन मेट को भी कर दिया, सबको कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट का कोई आदमी यहाँ पर तक नहीं पहुँचा है। एक बार इसकी माल को भी दिखाते हैं, कितना गंदा माल लगा रखा है इसके अंदर, सारा बिल्कुल इसके अंदर कहीं सीमेंट नहीं लगा रखी, ये माल लगा हुआ है और मोरी 12-12 इंच लगी हुई है। रात को पूरी रात पानी नहीं आता इसमें, 7 बजे के बाद कभी पानी नहीं आता, पानी पूरा पानी खत्म हो जाता है और सुबह 11 बजे पानी आता है। एक्शन SDO को बोलते हैं, वो कहते हैं हमारे बंदे पूरी रात घूमते हैं, आप झूठ बोल रहे हो। बागड़ू और सरफाबाद वाले हैं, पीछे आगे टेल से आदमी जाता है चक्कर लगाने, उनके साथ मार पिटाई होती, कई बार कई आदमियों के साथ जो है चोट भी मार दी, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की बांह तोड़ दी। तो अगर इस आइंदा इसी तरह की गलती हुई तो कोई दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेवार जो है इरीगेशन डिपार्टमेंट होगा। सभी के पास गए थे SDM मनदीप कुमार, यहाँ पे आए थे, मौका देख के गए थे। SDM के मौका देखने के बाद भी जो है 15 दिन के बाद जो है पानी आना शुरू हुआ था। 12 बजे बारिश शुरू हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि बारिश शुरू होते ही बागड़ू और सरफाबाद से सारे के सारे पाइप उठा दिए गए और जितनी जो आउटलेट मोरी थी वो सारी बंद कर दी गई। जो 12-12 इंची मोरी चल रही थी वो सारी जो है बंद करने के बाद सारा पानी यहाँ आ रहा है। डिपार्टमेंट से फ़ोन कर रहे हैं कि कह रहे हैं 5 बजे का पानी बंद कर रखा है, लेकिन आप देख सकते हो, कैमरे से दिखा सकते हो आप, अभी भी इसमें 5 फुट पानी चला हुआ है, मौके पर 5 फुट पानी चला हुआ है और ये 34,000 बुर्जी पे यहाँ टूट रहा है और 39,000 पे फिर आगे फिर टूटा हुआ है। कम से कम 200 एकड़ ज़मीन जो है धान लगी थी अभी ताजी, वो जो है गल जाएगी और किसान का जो है इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। दोबारा जो है इसके अंदर किसान को दोबारा बिजाई करवानी पड़ेगी, दोबारा जो है इसका खर्चा बढ़ता जा रहा है। और जब पानी की ज़रूरत होती है, जब खुश्की होती है, जब पानी इसमें नहीं आता है और जब बारिश हो जाती है तो क्या करते हैं, वो उसको पाइपों को उठा देते हैं, मोरी बंद कर देते हैं। BJP के जिला अध्यक्ष अमरपाल राणा जी को भी जो हमने इन्फॉर्म किया, उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर बंद करवा देंगे, लेकिन इस पर अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं और ज्यों का त्यों पानी चला हुआ है। ये किसानों ने लग के खुद जो है इसको कुछ हद तक बंद कर दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं, अभी टूटेगा ये। सुबह से किसान जो है भूखे प्यासे लगे हुए हैं। हम आपके चैनल से जो है CM साहब से गुहार लगाना चाहते हैं कि जो किसानों की फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, इसकी जो है गिरदावरी करवाई जाए और इसका जो है मुआवजा जो है लोगों को दिया जाए। कई जो नीच का एरिया हो तो ऐसा है कि कम से कम 6 महीने भी जो गेहूँ की बिजाई भी नहीं होगी, इतना पानी भर चुका है खेतों में, 4-4 फुट पानी भी है, जो कुछ गहरा निचारी वहाँ पे 5-5 फुट पानी भी खेत के अंदर भरा हुआ है। संबंधित विभाग के अधिकारी सोमनाथ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि माइनर अभी नई बनी थी और बारिश तेज होने की वजह से साइड की मिट्टी कट गई और जिस वजह से माइनर टूटी है। माइनर टूटने की सूचना के बाद ही माइनर पीछे से बंद करवा दी गई है। देखिए जी, वजह तो उसमें यही है कि एक तो मेन कारण बारिश का है, दूसरा जैसे 16 तारीख की रात को हमारा रजवा जो फुल चल रहा था, जिस तरह पानी उसमें चलना चाहिए, तो जैसे ही रात को 1 बजे बरसात शुरू हुई है, बहुत ज़ोर से बरसात शुरू हुई है, रात को ही उठ के उन्होंने अपने मोरियां बंद कर दी जो आउटलेट लगे होते हैं, तो जिसके कारण पानी का बहाव, पानी का दायरा और बढ़ गया, तो जो जहाँ जहाँ से टूटा है वहाँ से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से, तो उसके बाद मिट्टी कटी, उसके बाद फिर कंक्रीट वहाँ से निकल के और वो टूट गया है। वो ज़्यादा लंबाई में नहीं है, पुलों के नीचे और ऊपर है, तो इसका मेन कारण यही था कि पानी के ओवरफ्लो से मारा, जो भी कहीं कटा हुआ पानी के ओवरफ्लो से हुआ है। वो ये है कि जो सैंपल अगर फेल होता है, जो सैंपल हमने भेजे गए हैं लेबोरेटरी में भेजे गए हैं, अगर वो सैंपल रिपेयर फेल होता है तो उसकी पेनल्टी ठेकेदार पे लगती है। वो इतना एरिया तोड़ के वहाँ से ठेकेदार दोबारा बनाता है और खुद के खर्चे पे बनाता है जी। किसानों ने चैनल के माध्यम से CM से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी कराई जाए और नुकसान की भरपाई की जाए। कंचन TV के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट।